Gaming never die because you watching best gaming channel in the world, Andro World. ऑलराइट तो भाई टू ब्रदर्स के बीच में होने वाला मुकाबला जिमी उसो वर्सेस जे उसो और भाई जो भी इस मैच को जीतेगा उसे मौका मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में रोमन रेंस के साथ में फाइट करने का वो भी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो भाई वैसे ही दोनों के बीच में टेंशन काफी ज्यादा चल रहा है तो चलो आज सॉल्व करते हैं। तो चलो फिर आज कर ही लेते हैं भाई जिमी उसो वर्सेस जे उसो और करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट तो भाई अपन रेडी है जीमी उसो वर्सेस जे उसो विनर फेस करेगा रोमन रेंस को नेक्स्ट वीडियो में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और भाई दोनों के बीच में वैसे ही काफी ज्यादा टेंशन चल रही है। जे ने तो भाई क्विट कर दिया है, मतलब उसने लास्ट स्मैकडाउन में भाई कहा कि हाँ आई क्विट स्मैकडाउन आई क्विट WWE, पर क्या ये वापस आएगा या फिर नहीं। ऑडियंस की तरफ से रिस्पॉन्स तो भाई काफी अच्छा मिल रहा है जे उसो को। तो जे उसो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी अपना कमबैक करेंगे और जैसे मतलब जैसे जो भी कमबैक होगा वो बहुत जबरदस्त होगा। पर जिमी उसो का क्या होगा, जे ने तो भाई अपना रास्ता बना लिया है। जिमी उसो मुझे लग रहा है कि भाई अब रोमन रेंस के पे टर्न करेगा, मतलब शायद अपने को नेक्स्ट पेपर व्यू में जिमी उसो वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिले। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर फिलहाल यहाँ पे जिमी उसो भाई बैंड बजा रहे जे उसो की हेल्थ जिमी की फुल है और ये पिट रहे हैं अभी फिलहाल। तीनों के भाई दोनों के पास में अच्छे अच्छे फिनिशर्स हैं। पर क्या जे उसो अपना स्पीयर यूज करेंगे, जो कि भाई आजकल स्पीयर खूब मार रहे हैं, मतलब रोमन रेंस को तो ना जाने कितने बार स्पीयर लगा दिया है। आप लोगों ने देखा होगा रोमन रेंस के मैचेस में भाई उसका जो अपोनेंट होता है वो क्या पता क्यों पर रोमन को स्पीयर दे देता है। ड्रू मैकएंटायर को देखा, केविन ओवेंस को देखा, सैमी ज़ेन को देखा, जे उसो को देखा और बहुत सारे प्लेयर्स भाई ऐसे हैं जो फिनिशर अपना मतलब रोमन को रोमन का फिनिशर दे देते हैं। भाई ब्रॉक लेसनर ऐसी हरकत नहीं करते हैं, बस ब्रॉक लेसनर अपना फाइवर को बड़ा लॉक देते हैं। हालांकि उन्होंने भी गिलिटिन दिया था तो ब्रॉक लेसनर गिलिटिन अक्सर दिया करते हैं। पर यहाँ पे भाई मैच अभी बात चल रही है ये दो भाइयों के बीच में और देखेंगे कि ये भाई मैच है कितने स्टार का होता है। मतलब अभी सिंगल स्टार ही मिला है इस मैच को। जिमी उसो का सिग्नेचर आ चुका है, जे उसो का सिग्नेचर आया नहीं है लेकिन फिनिशर आ चुका है। पर फिनिशर देने के लिए भाई टॉप रोप पे जाना पड़ेगा और उसके लिए भाई पहले सिग्नेचर देना होगा क्योंकि बंदा बहुत जल्दी उड़ जाता है। फिलहाल जिमी का एक सॉलिड नेक ब्रेकर, जे उसो भाई डाउन है भाई, तब टाइम पास मत करे वरना सुपर किक आ जाएगी जे की तरफ से। ओके भाई बढ़िया शानदार ड्रॉप किक भाई। जे उसो जितना टाइम ले रहे हैं ना डांस करने में उतने देर में भाई मैच खत्म हो जाएगा। जिमी बहुत तगड़ा खेल रहा है भाई, मुझे क्या पता क्यों ऐसा लग रहा है कि जिमी इस मैच को जीतने वाले हैं। हालांकि दोनों के पास ही रेजिलेंस नहीं है, ये भाई दोनों के मूव सेम है क्या। जिमी जा रहे हैं भाई फिनिशर के लिए, जे उसो नीचे है और ये आया है उसो स्प्लैश जे उसो को। वन टू अबे कैसे किक आउट कर दिया बे, मतलब बिना रहते वो केक कौन आ रहा है भाई। ये रोमन रेंस है भाई, रोमन रेंस को क्या जरूरत है ये दोनों भाइयों के मैच के बीच में आने की। पता भाई जो भी जीतेगा वो तुमसे ही फेस मतलब फाइट करेगा। रोमन चाह क्या रहे कि जिमी हार जाए इस मैच को। रोल अप कर दिया जिमी को, वन ओके किक आउट कर दिया है। ओके फिर एक ड्रॉप किक। रोमन रेंस भाई यार मानेगा नहीं यार, मतलब चीटिंग करके ही मानता है ये बंदा। आ गया था इस मैच में भी दोनों भाइयों का ध्यान भटकाने के लिए। पर यहाँ पे जे ने भाई काफी ज्यादा यहाँ पे भाई अपर हैंड ले लिया है और जिमी की काफी धुनाई कर दी थी, लेकिन फिर वापसी है जिमी उसो की। जिमी उसो ने भाई जो कारण दिया ना कि उसने जे पे क्यों अटैक किया भाई, बहुत ही एकदम खुदू सा लगा, मतलब क्या यार कुछ भी। वन टू फिर से उसो स्लैश पे किक आउट कर दिया भाई। कितना उसो स्लैश पे किक आउट कर रहा है, अगर अब लगाना तो मैच खत्म हो जाएगा, अब लगा तो मैच खत्म हो जाएगा। वन मोर टाइम भाई, तीन बार फिनिशर दिया, आई थिंक मैच ओवर है। वन टू थ्री और जिमी उसो है हमारे विनर। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में जिमी उसो फेस करने वाले हैं ट्रॉप अच्छी रोमन रेंस को। और जे उसो यार कैसा लल्लू पंजू टाइप खेला है यार, स्टार्टिंग से ही भाई अच्छा नहीं खेला जे उसो। जिमी ने भाई तोड़ दिया रोमन रेंस के इंटरफेरेंस के बावजूद भी, मतलब जे उसो को भाई अपर हैंड मिला था लेकिन बात नहीं बनी जैसे। और जिमी उसो ने भाई हरा दिया यहाँ पे जे उसो को और जिमी उसो को मौका मिलेगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस के साथ फाइट करने का। और जे उसो
कोई बात नहीं भाई, तो वैसे भी अभी भाई बहुत ऊपर वाले लेवल पे चल रहे हो, तुम्हें तो मौका मिल ही जाएगा कभी ना कभी। पर फिलहाल बात है जिमी की, जिमी वर्सेस रोमन रेंस नेक्स्ट वीडियो में अंडर स्टूडियो यूनिवर्सल चैंपियनशिप प्ले होगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताना। ये मैच रहा 3 स्टार का, मुझे मैं सोच रहा था थोड़ा और स्टार आते थे इस मैच में, मैच अच्छा था, इंटरफेरेंस देखने को मिली, रोमन रेंस खुद आए थे भाई, तो मजेदार था। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 8K के बहुत ज़्यादा करीब है, बस आपको सपोर्ट चाहिए और 8K बहुत जल्दी होगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, जय हिंद।